वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कमेंट्स किस तरह से यूज किया जाता है ये कवर करेंगे। एक्सेल में आप कमेंट यूज करके आपका जो डेटा है, जो रिपोर्ट्स है, उसको और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। जैसे कि अब ये एग्जांपल के लिए यहां पर मेरे पास सेल्स रिपोर्ट है। अगर मुझे जहां पर भी कॉमेंट्स एड करना हो तो उसके लिए शॉर्टकट है शिफ्ट F2। यहां पर मुझे जो भी टाइप करना है वो मैं टाइप कर लूंगा और उसके बाद कहीं पर भी बाहर अगर क्लिक करता हूं तो वो जो कमेंट है वो सेव हो जाएगा। जब भी उस पर क्लिक करूंगा वो शो होगा। ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड मतलब कि कमेंट ऐड करने का, आपको रिव्यू टैब में जाना है। वहां पर न्यू कमेंट करके एक ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करते हैं अगर आप तो जहां पर भी आप जो है यहां से भी आप न्यू कमेंट कोई भी ऐड कर सकते हैं। सेम तरीका रहेगा, मतलब बाहर क्लिक करने पर वो सेव हो जाएगा। एडिट करने के लिए भी सेम है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं या फिर इस पर क्लिक करके शिफ्ट F2 करते हैं अगर आप, तो ये एडिट के लिए ओपन हो जाएगा। जो भी आपको इसमें एडिट करना है वो कर सकते हैं, उसके बाद जो है बाहर क्लिक करके उसको सेव कर सकते हैं। सपोज अगर आपको कोई कमेंट को डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए आपको जो है वो कमेंट को सिलेक्ट करना है और उसके बाद में एस्केप का बटन दबाना है कीबोर्ड से, और उसके बाद कीबोर्ड से ही डिलीट का बटन दबाना है तो वो कमेंट जो है डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर जैसे कि आपने कमेंट ऐड कर लिए और उसके बाद अगर कमेंट्स में आपको नेविगेट करना है तो वो ऑप्शन भी यहां पर अवेलेबल है टैब के अंदर ही, मतलब कि रिव्यू टैब में ही। तो यहां पर जैसे कि आप देखिए यहां पर आपको प्रीवियस, नेक्स्ट इस तरह से ऑप्शन मिलता है, या फिर अगर आप कोई कमेंट पर अगर क्लिक करते हैं तो यहां एडिट कमेंट का भी ऑप्शन मिलता है, यहां से भी आप उसको एडिट कर सकते हैं। सपोज अगर कमेंट को आपको कहीं पेस्ट करना है सेम कमेंट को, तो आप उसको सिलेक्ट कीजिए सेल को पूरे, कंट्रोल सी कीजिए मतलब कॉपी करने का जो कमांड है, जहां पर भी आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं वो सेल पर जाइए, राइट क्लिक कीजिए, पेस्ट स्पेशल में जाइए। पेस्ट स्पेशल में यहां पर आपको कमेंट्स का ऑप्शन दिख रहा है, आप उस पर क्लिक कीजिए, ओके कर दीजिए। ये देख लीजिए सेम कमेंट यहां पर भी जो है आपका पेस्ट हो चुका है। अभी सपोज जैसे कि ये तो हो गया आपका कमेंट इंसर्ट करना, उसको डिलीट करना और उसको एडिट करना। सपोज प्रिंट में जो है अगर आपको ये प्रिंट करना है तो उसके लिए किस तरह से सेटिंग करना होती है वो भी हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे कि आपको उसके लिए जाना है पेज लेआउट में, पेज लेआउट में शीट ऑप्शन होता है, उस पर जाना है आपको शीट ऑप्शन में। शीट ऑप्शन में यहां पर देख लीजिए, यहां पर प्रिंट और यहां पर कमेंट्स में आ रहा है। यहां पर दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, नन मतलब तीन ऑप्शन मिलते हैं। नन मतलब कोई भी जो कमेंट है प्रिंट नहीं होगा। फर्स्ट एट द एंड ऑफ शीट मतलब पूरा प्रिंट आपका हो जाएगा, उसके लास्ट में जितने भी आपके कमेंट है कमेंट्स है वो एक के बाद एक वहां पर प्रिंट होंगे। या फिर सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है एज डिस्प्लेड ऑन शीट, मतलब जिस तरह से शीट पर दिख रहा है उसी तरह से वहां आना चाहिए, तो उस तरह से भी वो आ सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है कॉमेंट्स जो है यूज करके आप आपका रिपोर्ट या डेटा और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं।